For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. दोस्तों बॉलीवुड में जहां कुछ फिल्में 100 करोड़ क्लब तक नहीं पहुंच पाती हैं, वहीं कुछ ऐसी फिल्में भी होती हैं जो 200 करोड़ क्लब तक हंसते खेलते पहुंच जाती हैं। तो चलिए एक नजर इस फेहरिस्त में शामिल फिल्मों पर भी डाल लेते हैं। बॉलीवुड के रेनिंग किंग सलमान की फिल्म किक ने रातों रात जुम्मे की रात को स्पेशल बना दिया। सिर्फ यही नहीं, 233 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ ये फिल्म 200 करोड़ क्लब में शामिल हो गई। ₹240.5 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ बॉलीवुड की मच लव्ड सुपर हीरो वेंचर क्रिश 3 भी इस लिस्ट में शामिल है। कई कंट्रोवर्सीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर पद्मावत ने दस्तक दिया था, लेकिन कोई भी कंट्रोवर्सी इसे 200 करोड़ क्लब में एंटर करने से रोक नहीं पाई। 278.05 करोड़ के कलेक्शन के साथ पद्मावत भी इस लिस्ट में शामिल है। आमिर खान की फिल्म धूम 3 भी 280.25 करोड़ की कमाई के साथ इस लिस्ट में शामिल है। सुल्तान के साथ सलमान शायद पहली बार रेसलर बन बड़े पर्दे पर आए और पहली बार में ही 300.45 करोड़ की कमाई के साथ धोबी पछाड़ दिया। बजरंगी भाईजान ने केवल सलमान खान के करियर के लिए एक माइलस्टोन नहीं साबित हुआ बल्कि 320.34 करोड़ की बेहतरीन बॉक्स ऑफिस कमाई के साथ इसने 200 करोड़ क्लब में भी दस्तक दिया था। साल 2014 के क्रिसमस पर रिलीज हुई आमिर खान की फिल्म पीके भी 337.72 करोड़ की कमाई के साथ इस फेहरिस्त में शामिल है। टाइगर और बॉक्स ऑफिस पर उसकी दहाड़ से तो हम सभी वाकिफ हैं। टाइगर जिंदा है ने 339.16 करोड़ की कमाई के साथ रिलीज के कुछ ही दिनों के अंदर इस 200 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली थी। साल 2016 के क्रिसमस पर रिलीज हुई आमिर खान की इस रेसलिंग ड्रामा ने रिलीज के बाद से ही कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। बता दे 387.39 करोड़ की कमाई के साथ दंगल इस लिस्ट के दूसरे स्थान पर है। ₹511.3 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कमाई के साथ बाहुबली 2 का हिंदी वर्जन इस लिस्ट के पहले स्थान पर विराजमान है। तो दोस्तों, आपको इस लिस्ट के बारे में क्या लगा? क्या आप भी इस लिस्ट के नाम को सुनकर खुश हैं या क्या आपको हुआ थोड़ा सा सरप्राइज कि इनमें से कुछ फिल्में असल में इस लिस्ट में आ गई? हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। फिल्मी दुनिया की ऐसी ही तीखी तेज तरार नजरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई पे।